दोस्तों, अब तक मेरी चैनल को आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ना किया हो, ये रेड बटन को दबाना है और सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब एडेड हो गया। अब इसके बाद बगल में जो घंटी है इसे भी दबाना है और इसे ऑल पर रख देना है ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पैनासोनिक का बोर्ड है जिसमें टिकॉन लेस पैनल लगती है। टिकॉन के DC to DC आउटपुट जो भी बन रहे हैं इसी IC से बन के ही LVDS केबल के थ्रू पैनल में जाते हैं। पावर दिया हुआ है, ओके। और यहाँ इंडिकेटर लाइट की कंडीशन है, नो इंडिकेटर, ठीक है। अभी हम सबसे पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं। इससे रिलेटेड सप्लाई में सबसे पहला आपको सप्लाई चेक करनी है, जो कि हम फ्लैश IC की पिन नंबर 8 पे ही चेक कर सकते हैं। यहाँ 3.3 वोल्ट आप देख सकते हैं ये बन रहे हैं। 1.2 वोल्ट यहाँ आप देख सकते हैं ये कम्प्लीट है, ठीक है। इस कॉइल L2 कॉइल के आउटपुट पे ये 6 पिन की IC बना रही है। और यहाँ पर हमने दो सप्लाई चेक कर ली, एक तो 3.3, 1.2। ये स्टैंड बाई सप्लाई है जो कि कंपलसरी सप्लाई होती है प्रोसेसर को ऑन करने के लिए। इसके बाद थर्ड सप्लाई होती है जो प्रोसेसर में जाती है, वो है 1.8 वोल्ट की। सो यहाँ आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट बन रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की पोजीशन है नो इंडिकेटर और यहाँ पर 1.8 सीधा बन रहे हैं। सो ये एक गलती क्या बताता है कि 1.8 यहाँ जो हमने 5 वोल्ट यहाँ पहले से ही आ गए, जो कि स्विच के थ्रू आने चाहिए, प्रोसेसर ने मिसगाइड किया और यहाँ पर वोल्टेज पहले से ही आ गए। सो ये बताता है कि प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है। ये तकलीफ़ या तो प्रोसेसर की हो सकती है या फ्लैश IC में प्रोग्राम ना होने की वजह से प्रोसेसर और फ्लैश IC के बीच का कम्युनिकेशन बंद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अभी फ्लैश IC को प्रोग्राम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोग्राम करने के लिए यहाँ VGA पोर्ट नहीं है। इस बोर्ड में VGA पोर्ट नहीं है। या तो हम IC निकाल कर प्रोग्राम कर सकते हैं या वायरिंग करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है RT809F प्रोग्रामर, ठीक है। इसमें वायरिंग किस तरह से की है मैं वो बता देता हूँ। मैं यहाँ बोर्ड को ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा वायरिंग किस तरह से की है। यहाँ पर जो ब्राउन एंड ब्लैक वायर है, यहाँ पर भी जो ब्राउन ये वाला वायर और ब्लैक, ये मैंने कनेक्ट किया है 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई को, एक तो यहाँ पर 3.3 और ये ग्राउंड। सो मैंने ये यहाँ पर दे दिया है। ये फर्स्ट पिन जो है वो ग्राउंड की है, सेकंड RX की है, थर्ड TX की है, फोर्थ 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई की है। सो ग्राउंड, RX, TX, 3.3 वोल्ट ये कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिए हैं, जो कि UART का कनेक्शन जो है सर्विस पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। इस सॉकेट का काम यह है कि इस बोर्ड में VGA पोर्ट नहीं है, इसलिए ये सॉकेट दिया हुआ है कि प्रोग्रामिंग करने का ऑप्शन है ये, ठीक है। अब हमने क्या क्या वायर्स जोड़े हैं, 3.3 वोल्ट, ग्राउंड, RX एंड TX यहाँ पर। सो आइए प्रोग्रामिंग खोल लेते हैं और यहाँ पर RT809F प्रोग्रामिंग को ऑन करते हैं। जब भी बोर्ड में कुछ अल्टरेशन करो तो सबसे पहले रीड करना होता है। तो यहाँ अभी जो हमने फंक्शन यूज किया हुआ है, इसमें हमने पावर ऑफ किया हुआ है और स्मार्ट आइडेंटिफाई दबाएंगे, आप पावर की देना। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ऑटो ISP और स्मार्ट आइडेंटिफाई दोनों से ही आप कर सकते हैं। पहले बोर्ड को ऑफ करना है, ऑटो ISP दबाते ही बोर्ड को ऑन कर देना है, ठीक है। एक तो तरीका ये है और स्मार्ट आइडेंटिफाई से भी मैं बता देता हूँ। अभी मैंने बोर्ड को ऑफ रखा हुआ है स्मार्ट ID दबाने का, और यहाँ पर जो ये कैंसिल बटन दबाने के बाद आपको बोर्ड को ऑन करना है। तो यहाँ ये दोनों तरीके से आप IC को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया किस तरह से ये ऑटो ISP और स्मार्ट ID का बटन जो है हम ऐसे बोर्ड में जिसमें VGA पोर्ट नहीं होता है उसमें किस तरह से हम IC सिलेक्ट करेंगे। अभी हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमेशा कोई भी बोर्ड में एडिटिंग करने से पहले, फ्लैश IC को एडिट करने से पहले रीड करना है, ओल्ड फाइल को बैकअप लेना है, ठीक है। तो हम रीड बटन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट रीडिंग हो चुका है।
सो यहाँ पर अब हम डेटा जो है सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में। मैंने ऑल बिन फाइल के अंदर एक पैनासोनिक का टेम्पररी फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर हम इसे सेव कर लेते हैं। तो ये फाइल अभी सेव हो चुकी है। कहाँ पर सेव की है? पैनासोनिक के अंदर। और ये फाइल जो है 4 MB की फाइल सेव कर ली है। और इसके बफर्स चेक कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि बफर्स बता तो रहे हैं लेकिन क्योंकि बोर्ड डेड है सो हमारे पास ओके डेटा पड़े हैं। सो हम क्या करेंगे, ओपन करके राइट कर लेते हैं उस डेटा को। एक ओके फाइल चाहिए होगी हमें, तो ओपन बटन का यूज करेंगे और हम चले जाएंगे वहां पर जहां से हमें ये फाइल लेनी है। यहाँ पैनासोनिक का एक फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे चेजिस नंबर से मैंने ये सेव की हुई है फाइल। ठीक है, ये फाइल मैं ले लेता हूँ और राइट बटन का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे ऑटो इरेसिंग सबसे पहला फंक्शन होता है। दैट मीन्स सबसे पहले जब भी आप आईसी में कुछ भी डालने जाते हैं तो पहला काम होता है इरेजिंग का। इसका मतलब ये है कि आपने बैकअप नहीं लिया होगा इस समय पर, तो पुरानी स्टेटस पे वापस जाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो हमने इसलिए फाइल को यहाँ पर सेव कर लिया है। तो यहाँ पैनासोनिक के फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल है जो कि पुराने बैकअप के लिए है। सो ये मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको आईसी बिना निकाले हम किस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे उसके ऊपर है। सो यहां पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन हो चुका है और यहाँ बफर्स में एंट्री आ चुकी है। ठीक है, सो ये सारे सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं जो कि अपने अपने एड्रेस पे स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, सो अभी इसे हम क्लोज कर लेते हैं और अभी बोर्ड को चेक कर लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है अब रेड शो कर रही है। दैट मीन्स स्टैंड बाई में है अभी, और स्टैंड बाई में कोई भी वोल्टेज जो है वो नहीं बनेंगे, सिर्फ 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट स्टैंड बाई, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, ठीक है, 1.2 वोल्ट जो कि हमने पहले दिखाया था आपको, और ये सभी सप्लाई जो है वो बनेगी। और लेकिन 1.8 वोल्ट अभी स्टैंड बाई में नहीं बनेंगे बिकॉज 1.8 वोल्ट जो है स्विच के बाद आते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1.8 वोल्ट अभी नहीं बन रहे क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, अभी हम पावर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैं पावर की दबा रहा हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे इंडिकेटर लाइट अब बंद हो चुकी है। अभी हमें 1.8 वोल्ट यहाँ मिल रहा है और ये सही स्टेटस है, प्रोसेसर काम कर रहा है ये बता रहा है ये। और यहाँ पर पैनल के सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं। वी जी एच आर यहाँ आप देख सकते हैं 28 वोल्ट, वी जी एल जो है वो -5 वोल्ट बता रहा है। यहाँ पर वी जी एच ऑड है, ये -5 एंड 27 का यहाँ फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दिखेगा। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ हो रहा है सो ये सही है। और यहाँ पर वी जी एच इवन जो है वो सेम 27-5 का फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, ऑन ऑफ वोल्टेज बता रहा है। वी जी एच एफ यहाँ आप देख सकते हैं -5 वोल्ट। ओके, सो ये सभी पैनल के वोल्टेज बन चुके हैं कि सभी सप्लाई यहाँ से बन के निकलती है। ठीक है, दैट मीन्स ऑड इवन की जो सप्लाई है वी जी एच आर, वी जी एच एफ, ये सब कुछ यहाँ डीसी टू डीसी आईसी से बनते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ पर वी इनपुट जो है 12 वोल्ट खाली इस आईसी में इनपुट होता है, उसके बाद के जितनी भी सप्लाई है वो ये आईसी बनाकर इस एलवीडीएस केबल के थ्रू, दैट मीन्स एफएफसी केबल के थ्रू पैनल में डायरेक्टली जाते हैं। दोस्तों, अब तक मेरी चैनल को आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ना किया हो, ये रेड बटन को दबाना है और सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब एडेड हो गया। अब इसके बाद बगल में जो घंटी है इसे भी दबाना है और इसे ऑल पर रख देना है ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओ।